को छूने से भी गुरेज करते थे। हमको यहाँ पर अच्छे पदों पर जाने का अधिकार, अच्छे विद्यालयों में पढ़ने का अधिकार, अच्छे वस्त्र पहनने का अधिकार, अच्छे घरों में रहने का अधिकार, अच्छी गाड़ियों में चलने का अधिकार, ये सारे अधिकार हम सभी के पुरखे परम पूज्य बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब भी देंगे। यदि हम खुद अपने आप को बाबा साहब का वंशज कहते हैं, यदि हम खुद अपने आप को बाबा साहब का अनुयायी कहते हैं, यदि हम अपने आप को बाबा साहब का मानने वाला कहते हैं, लेकिन हम शराब का सेवन करते हैं, समाज में लड़ाइयां करते हैं, अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेजते हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं, तो हम बाबा साहब के अनुयायी नहीं। यहाँ सभी खड़े हुए मैं नवयुवकों से और यहाँ पर बैठी हुई नव युवतियों से, अपने बेटों से, अपनी बेटियों से ये संदेश भी देना चाहता हूँ और उनसे ये गुजारिश भी करना चाहता हूँ कि यदि आप अपने आप को बाबा साहब के मानने वाला कहते हो तो आप उनके मानने वाले तभी हो सकते हैं जब आप कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके की शिक्षा ले रहे हैं। यदि आप शिक्षा से वंचित हैं, एजुकेशन से वंचित हैं, तो आप बाबा साहब के अनुयायी नहीं हो सकते, क्योंकि बाबा साहब के तीन मूल मंत्रों में सबसे पहला मूल मंत्र ही था शिक्षित बनो। जब तक हम शिक्षित नहीं है हम किसी प्रकार का संगठन नहीं बना सकते। यदि हम बिना शिक्षित हुए कोई संगठन बनाएंगे तो हमारा संगठन असफल हो जाएगा, संगठन बनाने का उद्देश्यहीन हो जाएगा। और जब हम शिक्षित होंगे तो हम संगठन भी बना लेंगे, और जब संगठन बना लेंगे तो हम अपने हक और अधिकारों के लिए संघर्ष भी कर लेंगे। अभी हमें अपने हक और अधिकारों के लिए दूसरे लोगों का पिछलग्गू बनना पड़ता। बाबा साहब ने हमें शिक्षा का वो हथियार दिया है कि जिसके बलबूते हम अपने अधिकार प्राप्त करने की सारी लड़ाइयां कानून के दायरे में लेकर लड़ सकते हैं। इसलिए यहाँ से आज जो भी उठे, हमारी खासकर यहाँ पर जो भी बच्चे खड़े हैं जो मुझसे उम्र में छोटे हैं, यहाँ पर जो बच्चियां बैठी हुई हैं और छोटे बच्चे भी बैठे हुए हैं और पीछे अभिभावक बैठे हुए हैं।